राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोबाइल डॉक्टर आर बी गोस्वामी, ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे सभी फॉलोअर्स का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था कि हमारा जो नेचुरल हर्बल पाउडर है, हमारे साथियों ने उसको आजमाया है और बहुत अच्छे उसके मिराकल रिजल्ट उसके मिले हैं। तो साथियों, हमारी इलेक्ट्रोमोपैथी के साथ साथ में हम इसको दे सकते हैं और अच्छे जो है सकारात्मक परिणाम जो है इसमें हम 100% ले सकते हैं। तो जिस भी साथी को ये पाउडर चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो नए साथी हैं, अभी जिन्होंने अपना सेटअप नया अभी अभी स्टेबलिस्ट किया है, उनके लिए हमारे पास में जो है डाइटरी एंड एज ट्रीटमेंट बुक, जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ही है, उसमें कंप्लीट जो है रोगों का विवरण है, उसके अंदर पार्टिकुलर वाइज जो है रोग दिए गए हैं, जैसे स्किन डिजीज है, स्किन से जितनी भी संबंधित डिजीज है उसका इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स और उसके जो है रीजन वगैरह, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ साथ में डाइटरी प्लान जो है रोग के अनुसार क्या लेनी चाहिए, इस तरह के जो है उसके अंदर ये सामग्री दी गई है, जो नए चिकित्सक के लिए बहुत ही उपयोगी है, नए हो चाहे पुराना हो, जो भी इस तरीके से अगर कोई ट्रीटमेंट करता है तो 100% उसमें सफलता मिलती है। तो आज का समय ज़्यादा जो है ना लेते हुए आज हम एक बीमारी को और लेकर के आए हैं। देखिए साथियों, ये कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी तो नहीं है, लेकिन परेशान बढ़ा कर देती है, और उस डिजीज का नाम है ईयर पेन, ईयर एक या कान का दर्द भी बोल देते हैं। साथियों, कान का दर्द एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक या दोनों कानों के अंदर जो है पेन हो सकता है, दर्द होता है। आमतौर पर यह छोटे बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, हालांकि ये वयस्कों में भी हो जाता है। कान में होने वाला दर्द जो है वो हल्का या तेज भी हो सकता है, या जलन युक्त भी हो सकता है, जलन भी लगने लगती है। कई बार कान का दर्द इतना गंभीर हो जाता है कि रोगी का चलना फिरना जो है, बात करना, गर्दन को हिलाना डोलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। आमतौर पर यह हल्के संक्रमण के कारण होता है और कुछ दिनों के बाद में जो है बिना इलाज के भी ठीक हो जाता है। लेकिन जब गंभीर स्थिति होती है तब इसका ट्रीटमेंट लेना आवश्यक हो जाता है। अगर दर्द बढ़ता ही जाए, आराम ना हो, तो फिर इसका इलाज करवाना बहुत आवश्यक है। तो साथियों, ये इसका इंट्रोडक्शन था, इसके रीजंस, इसके काजिज पर हम कारणों पर बात करें तो कारण अनेक हैं। कान में दर्द होने के कारण अनेक हैं, जैसे कान में संक्रमण हो जाए तब भी दर्द होगा और जिसके कारण मवाद या पानी जैसा द्रव्य जो है वो बहने लगता है। कभी कभी क्या होता है साथियों, कान के अंदर चोट लग जाती है, चोट लगने से भी जो है कान का दर्द होता है। कई बार कान के अंदर जो वैक्स इकट्ठा होकर के वो हार्ड सॉलिड रूप में हो जाता है, जिसे वो बड़ा टाइट हो जाता है और कान दर्द करने लगता है। कई बार साथियों ऐसी स्थिति भी होती है, कोई भारी वस्तु, कोई मकोड़ा कीड़ा या इस तरह का जो भूंड वगैरह है, ये कान में कई बार हमने देखा चले जाते हैं, तो उसके कारण भी जो है कान में दर्द बनता है। इसके अतिरिक्त हमारे गले के अंदर संक्रमण हो जाए तब भी जो है कान का दर्द जो है क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। इसके अतिरिक्त
जाड़ों में दांतों में फोड़ा हो जाना या पस पड़ जाना, उसके कारण भी जो है कानों में दर्द होने लगता है। तो ये तो थे इसके जो है कारण। इसके सिम्टम्स पर बात करें साथियों, दांत में दर्द या फोड़े आदि होना, और बच्चों के दांत आते हैं तब भी ये दर्द जो है होने लगता है। कान में कुछ फंसने से भी दर्द होता है, कान में फंस जाना, कान के पर्दे में छेद होना, कुछ निगलने के दौरान दर्द महसूस होना, कान में संक्रमण होना, और ज़्यादा ऊंचा सुनाई देना या बहरापन हो जाना, उल्टी मितली आने लगना, गले में दर्द या जो है चिड़चिड़ापन या फिर बुखार वगैरह हो जाना, कान से रक्त का आना आदि, इस प्रकार के जो हैं वो लक्षण दिखाई देते हैं। तो साथियों, उचित कारण जान करके इसका हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम किस प्रकार का जो है ट्रीटमेंट इसमें दे सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारा जो है BC का फार्मूला है साथियों, जिसमें A2C5S5F1P1 और WE है। तो साथियों, इसको देना है BC, इसके साथ में C4, फिर वर्वन, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। तो साथियों, इसमें BC की 20 ड्रॉप देनी है, C4 की 10 ड्रॉप देनी है, वर्वन की 10 ड्रॉप देनी है, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की 20 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की भी 20 ड्रॉप देनी है। इसको 30 ml में इकट्ठा कर लेना है इन सबको, और 10 बूंद जो हैं रोगी को आवश्यकता अनुसार या दिन में 4 बार दे सकते हैं खाने से पहले। दूसरा साथियों, इसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रोमोपैथी में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की मेडिसिन का जो देने का प्रावधान है, तो ईयर ड्रॉप हम जो है मस्टर्ड ऑयल में या मुलन ऑयल में बना सकते हैं। 27 ml जो हमें मस्टर्ड ऑयल या मुलन ऑयल लेना है, और उसके अंदर जो है साथियों हमें जो है A2S5C5 और WEGE, ये जो है 5 औषधियाँ हैं जो हमने D3 से डायरेक्ट लेनी है, उसकी 12 12 बूंद, 27 ml जो है मुलन ऑयल या सेसमे ऑयल में या मस्टर्ड ऑयल में आप ले सकते हैं। उसमें अच्छी तरह से उसको मिक्स करके कान में 2 2 बूंदें जो है रोगी के डलवाएं। तो साथियों, यदि कान के बाहर सूजन महसूस हो रहा है, भारीपन है कानों में, दर्द भी ज़्यादा हो रहा है, तो साथियों इसमें आप कंप्रेक्स भी दे सकते हैं। जैसे हमारे जो राइट कान है, राइट ईयर है, उसके अंदर हम S1RE देंगे, और लेफ्ट में जो है वहाँ पर S1 और YE का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या करना है, दोनों कंपोनेंट्स में D3 से जो है 30 30 ड्रॉप प्रत्येक मेडिसिन का लेना है, 27 ml डिस्टिल वाटर में, और इसको अच्छी तरह से स्ट्रोक लगा करके जो है इसका कंप्रेक्स बनाना है। जिस भी साइड का हो उसकी साइड के अनुसार, जैसे राइट में हम RE का और S1 का प्रयोग करेंगे, लेफ्ट में जो है हम S1 और YE का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पर जो है हमने पानी में डाल करके, गुनगुने पानी में डाल करके वहाँ पर हम जो है कंप्रेक्स दे सकते हैं। तो ये तो साथियों हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था। इसके साथ साथ में जो है हमें जो है खान पान में जो है रोगी का पथ्य आहार कैसा होना चाहिए, जब इस प्रकार का रोग हो जाता है तो साथियों उसमें जैसे पुराना चावल है, पुराना अनाज है, सत्तू, मूंग, मसूर, अरहर और दाल, चना, सेब, पपीता, अनार, परवल, लौकी, करेला, कद्दू, मौसमी इत्यादि जो है खाद्य पदार्थों का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए, और हरी सब्जियां, केला, नारियल, गाय का दूध का भी जो है इसमें सेवन किया जा सकता है। और जो अपथ्य में जो इसमें परहेज करना साथियों, उसमें क्या है कि नया चावल या अनाज बिल्कुल ना लेना, मैदा, कुल्थी की दाल है, उड़द, राजमा, छोले, बैंगन, नींबू, टमाटर, खट्टे अंगूर, आलू, कटहल, अरबी, अचार, पनीर
और चटनी, तीखा भोजन, मसालेदार भोजन, अधिक नमक का प्रयोग, या कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड है या जंक फूड है, या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हैं, शराब है, बीड़ी सिगरेट वगैरह जो हैं, इस तरह के आहार जो हैं रोगी को ना लाने लेने दें। और इसके साथ साथ में जो है इसके अंदर आसन जो है, आसन और प्राणायाम, प्राणायाम कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी जो है, प्रणव जप वगैरह आप इसमें कर सकते हैं। और आसन के अंदर जो है साथियों गोमुखासन है, भुजंगासन है, मरकटासन वगैरह जो हैं इस रोग में बड़े लाभकारी आसन हैं। तो साथियों ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, आपको कैसा लगा? अपने सुझाव या अपने फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए साथियों बस इतना ही, राधे राधे दोस्तों।